हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए सूजी का उत्पम कितना प्यारा और कितना यम्मी बनकर रेडी हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं। और चलिए, और ये बहुत इजी ढंग से बना है, इसको कोई बिगनर भी बना सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बना है, देखिए पूरी रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उपमा। तो देखिए कि कैसे बनाते हैं सूजी का उपमा। तो ये हमारी एक कटोरी सूजी, ये एक मीडियम साइज का आलू, एक मीडियम साइज का टमाटर, एक मीडियम साइज का प्याज और एक हरी मिर्च, ठीक है, इसको हमने कट कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बना है। बहुत टेस्टी बनता है और 5 मिनट में बनकर रेडी भी होता है। ये रही गाइस, हमने पैन अपना चढ़ा दिया है, ये एक कटोरी रवा इसमें हम डालेंगे, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे चलाते हुए, इस तरह से करके ड्राई रोस्ट करते हैं। ये रही गाइस, ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। ये रही गाइस, हमने डाल दिया अपना ऑयल, तो जितना 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, जो मीडियम साइज की बड़ी होती है स्पून, हम आपको दिखाते हैं, इस स्पून से भर के 2 से 3 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको होता है फिर मिलता है। देखिए गाइस, कुछ मसाले हम पहले तड़के में डालेंगे। ये हमारा जीरा 1/2 टेबल स्पून और ये सरसों दाना 1/2 टेबल स्पून और एक ये तेज पत्ता, इसको डालेंगे चटका लेंगे। देखिए वो अच्छे से चटक चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, ऐड करेंगे अपना और अदरक। देखिए एक टुकड़ा अदरक का ले लिया था, वो भी डाल के अब हम ड्राई रोस्ट खोल लेंगे, भून लेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए हल्का सा हो चुका है, ट्रांसपेरेंट दिखने लगा हमारा प्याज, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, इसको भी डाल के इसमें फ्राई करेंगे। देखिए अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, ये भी ऐड कर दिया है। और ये देखिए थोड़ी सी हल्दी 2 पिंच, थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, इसको भी इसे डाल के हम फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और आप चॉप किया हुआ आलू जो कि हमने बारीक काटा था उसको इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, अगर हो तो डाल लीजिएगा, ना हो तो आप वो मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और अगर दोनों ही ना हो तो आप गरम मसाला ऐड कर दीजिए, और अगर वो भी ना डालना चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने पकाना है अच्छे से, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए गाइस 1/2 कटोरी पानी है, तो उसका डालेंगे देखिए गाइस, हमने 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है पूरा, तो क्योंकि हमें ये सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी पकानी है। और एक बात गाइस, हमने इसमें सब्जियां जो ली हैं वो जो थी वो ले ली, आप अगर और कोई सब्जी डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो भी जैसे बीन्स है, शिमला मिर्च है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, जैसे कि हमें बनाना है, तो पहले यह नमक स्वाद के हिसाब से हम इसको ढकेंगे और पका लेंगे। देखिए गाइस 2 मिनट हो चुका है, तो लगभग लगभग हमारा ये 90% पक चुका है आलू, ठीक है, गल चुका है आलू। तो अब इसमें हम डालेंगे अपनी सूजी, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ये 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे, इसको हम इसमें थोड़ा सा ऐसे करेंगे, और उसके बाद में हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो पानी हमें कितना ऐड करना है ये ध्यान से आप देख लीजिए, वरना आपकी चिपचिपी सी गीली सी बनेगी। तो हमारी 1/2 कटोरी था रवा, तो हम 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा और ज्यादा, क्योंकि हमारी 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा रवा था, ठीक है, तो इस वजह से हम 1 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे पानी। ये देखिए इस तरह से, और इसको अब हम चला देंगे, क्योंकि हमारा खिला खिला जिसे बने और अच्छा सा बन के आए, ठीक है, टेस्टी भी लगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए गाइस आपने पानी ऐड कर दिया, अब इसको अच्छे से ढक देना और फ्लेम को बिल्कुल धीमी कर देंगे, क्योंकि हमको धीमे में कुक करना है, क्योंकि हमने पानी अधिक नहीं ऐड किया हुआ है इसमें, इसलिए। ये देखिए गाइस हो चुका है 2 मिनट, इसको ऑफ कर देंगे और इसको हम अब ढक के बिल्कुल रख देंगे, ठीक।
2 मिनट के लिए इसको ऐसे हम रख के कवर करके रख देंगे, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। 2 मिनट बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए गाइस बनकर रेडी है, अब इसको हम सर्व करते हैं। देखिए चलाने पे देखिए कैसे लग रही है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम ना ज्यादा गीली है और ना ज्यादा सूखी सूखी सी लगेगी, बहुत टेस्टी है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस हमारी सूजी का बनके तैयार है और इसको हमने हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा। ये देखिए 5 मिनट में रेडी है सूजी का उत्पम बनकर, और ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्कुल अच्छे से हमने बताया है। आप लोग पूरी देखेगा वीडियो तभी समझ में आएगा। और हमारी आज की ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।